नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 15 दिसंबर 2013 संडे। ये वीडियो है दिल्ली के इलेक्शन जो अभी हुए 8 दिसंबर को, जिसका काउंटिंग हुआ और उससे रिलेटेड इशू कि अब आगे क्या हो सकता है और जो मेजर इशू है वो क्या क्या है। एक तो जो मैंने मेरा एक पुराना वीडियो है राइट टू रिकॉल ग्रुप चैनल में ही, राइट टू रिकॉल ग्रुप इसी चैनल में है, 7000 से ज़्यादा व्यू है। एक ही वीडियो है जिसका व्यू 7000 क्रॉस हुआ, आप देख सकते हैं इसमें शॉर्ट करके कि कैसे कांग्रेस यानी एमएनसी और मिशनरी, क्योंकि कांग्रेस तो पूरी बिक चुकी है, वो पूरा पार्टी है, वो एमएनसी और मिशनरी मैनेज करते हैं, वो कैसे अरविंद गांधी का उपयोग, अरविंद भाई का उपयोग करेगी बीजेपी के और मोदी साहब के वोट तोड़ने के लिए, मिडिल क्लास वोट तोड़ने के लिए, वो वीडियो है। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो मीडिया मिडिल क्लास का मीडिया, जो अपर मिडिल क्लास पढ़ता है, उस मीडिया में उसको बहुत ज़्यादा फेवरेबल कवरेज मिल रहा है और ताकि वो मैक्सिमम मिडिल क्लास वोट तोड़ सके। तो दिल्ली के इलेक्शन में इस बार जो आम आदमी पार्टी को मुस्लिम वोट मिले हैं और लोअर क्लास के वोट भी मिले हैं, स्लम वोट्स वगैरह, वो कांग्रेस ने शिफ्ट करा दिए आम आदमी पार्टी के खाते में। किस तरह से वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसमें जब मैं कांग्रेस बोलता हूँ तो एक बात खास ध्यान रहे कि कांग्रेस है वो पूरी की पूरी बिक चुकी है और पूरी कंट्रोल होती है एमएनसी और मिशनरी ओनर से। जैसे कि 1860 के बाद जो भारत के राजा थे वो सब नाम के राजा थे, अंग्रेजों के एजेंट ही बन चुके थे सब के सब, और अंग्रेजी उनको चलाते थे। मतलब हर एक राजा के दरबार में एक रेसिडेंट करके ऑफिसर होता था अंग्रेज, और वही सारे डिसीजन लेता था कि टैक्स कितना होगा, पुलिस की संख्या कितनी होगी, सेना की संख्या क्या होगी, सेना हथियार क्या इस्तेमाल करेगी, यहाँ तक कि अपॉइंटमेंट भी वही डिसाइड करते थे कि बड़े राजा की सेना है तो उसका जनरल कौन बनेगा वगैरह। राजा था वो सिर्फ दारू पी के पड़ा रहता था और बस अय्याशी करते रहते। कुछ कुछ अच्छे राजा थे, बड़ौदा के राजा अच्छे थे, वो सब कारोबार देखते थे, उन्होंने एजुकेशन वगैरह काफ़ी डेवलप किया, गोंडल के राजा थे, पर वो कितने 100 में से 4-5 कह सकते हैं। बाकी 90 राजा थे वो सिर्फ दारू पी के पड़े रहते थे और शासन पूरा अंग्रेज चलाते थे। तो इसी तरह से कांग्रेस का पूरा इंटरनल मैकेनिज्म है कि कैंपेनिंग किस तरह से होगी वो सब अब एमएनसी के एग्जीक्यूटिव देखते हैं। कांग्रेस के नेता है वो दिग्विजय सिंह की तरह से बयानबाजी करते रहते हैं और ऐसा एक ऊपरी दिखावा करते हैं कि शासन है वो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। अब इसमें जो पूरे इंडिया का स्टेटिस्टिक्स इस तरह से इंडिया को देखे तो इंडिया में 80 करोड़ टोटल वोटर है, उसमें से अप्रोक्सीमेट हम करें, ये अप्रोक्सीमेट नंबर दे रहा हूं, वैसे एग्जैक्ट नंबर होगा 78। मिडिल क्लास वोटर है कुछ 20 करोड़, लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, और दूसरा 20 करोड़, इसमें अपर क्लास भी आ गया, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और लोअर क्लास अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़, कुल मिला के 80 करोड़ हुआ, यानी 25% जितना मिडिल क्लास मान के चलते। लेकिन दिल्ली में मिडिल क्लास बड़ा है, दिल्ली में 120 लाख वोटर है, जिसमें से यूं कह सकते हैं कि कुछ 45 लाख मिडिल क्लास होंगे और बाकी कुछ 25 लाख जितने लोअर मिडिल क्लास और 50 लाख लोअर क्लास, स्लम्स या तो काफी बुरे हाउसिंग में रहते हैं उस तरह के। अब जो स्लम एरिया है और काफी हद तक मुस्लिम एरिया, मतलब रिलीजन की वजह से नहीं, वो अधिकतर गरीब है, स्लम है, इसलिए इस तरह का वोटिंग पैटर्न है, वो रिलीजन की वजह से नहीं है, ये खास ध्यान रखना। ये गलत फहमी है कि उनका वोटिंग पैटर्न रिलीजन की वजह से अलग है, उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक लाइफ है उसी की वजह से उनका वोटिंग पैटर्न अलग है।
किस तरह का वोटिंग पैटर्न होता है कि एक कंस्टिट्यूएंसी है उसमें करीब करीब 2.25 लाख वोटर होते हैं पर कंस्टिट्यूएंसी। अब 2.25 लाख वोटर में कुछ कुछ में अच्छी कंस्टिट्यूएंसी होगी तो वहाँ मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, कुछ कुछ में बहुत इंडस्ट्रियल टाइप एरिया है तो वहाँ पे स्लम पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, पर रफ अंदाज मान के चलो कि भाई 1 लाख पॉपुलेशन स्लम या तो लोअर मिडिल क्लास हाउसिंग की है, लोअर क्लास। इसमें दलित भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, कुछ कुछ अपर कास्ट के लोग भी स्लम में रहते हैं, ऐसे नहीं है कि अपर कास्ट वाले सब महल में रहते हैं। स्लम का वोटिंग क्या होता है कि हर एक स्लम में एक सोशल वर्कर टाइप आदमी होता है जो वहाँ का मौलाना भी हो सकता है या तो कोई सोशल वर्कर भी हो सकता है। वो सोशल वर्कर लोगों के सारे छोटे मोटे काम करता है, जैसे राशन कार्ड बनवा देना, राशन कार्ड में नाम ऐड करवाना, वोटर कार्ड बनवा देना, वहाँ पे छोटे मोटे झगड़ा हुआ हो, पुलिस किसी को अरेस्ट करके ले गई हो तो उसको बेल दिलाना, लोगों को थोड़े दवाई दारू का इंतजाम कराना। और उनमें जो मौलाना होता है उनकी बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटी होती है, लोगों को तो मतलब वहाँ के लड़कों को एजुकेशन देना थोड़ा बहुत मदरसाओं में, फिर दवाइयों के पैसे देना, कम्युनिटी वर्क करना, तो इस तरह का उनका कम्युनिटी वर्क भी बहुत होता है। तो उनका जो कमांड है उनका कमांड रिलीजन की वजह से नहीं है, ज़्यादातर सोशल वर्क की वजह से है। पर जो सोशल वर्कर होता है उसकी एक लिमिटेशन भी है, वो पूरा 1 लाख का एरिया कवर नहीं कर सकता। टिपिकल सोशल वर्कर होता है उसका रीच होता है 5,000 मैक्सिमम 10,000 वोटर। तो एक सोशल वर्कर जो है वो 5,000 से लेके 10,000 वोट को कवर करता है, वोटर को कवर करता है। अब ये सोशल वर्कर उसके गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उसके साथ भी लिंक होते हैं। मतलब मान लो कोई आदमी राशन कार्ड बनवाने गया, अफसर को मान लो 100-200-500 रुपए की रिश्वत चाहिए, तो वो सीधा वोटर से लेने से थोड़ा क्यों घबराता है, क्योंकि कई वोटर ट्रैप रख के आया हो तो। लेकिन जो सोशल वर्कर है उसके साथ 2-4 साल 5 साल का रिलेशन है, वो पता है कि ये आदमी ट्रैप नहीं रखने वाला, तो उसके थ्रू वो 200 में ले लेगा। 200 में क्यों ले लेगा, क्योंकि ये 50 केस लेके आएगा एक साथ। तो इस तरह से ये सोशल वर्कर है वो एक तरह का मिडलमैन का काम भी करता है, एजेंट का काम करता है, और लोगों के साथ उसका कॉन्टैक्ट है, और वो वहीं पे रहता है, उसके पास हो सकता है अच्छा फ्लैट में रहने का पैसा हो लेकिन फिर भी वो झोपड़पट्टी में रहेगा। तो यहाँ के ये जो 5-10 हज़ार वोटर जिसके बीच रह के ये छोटे मोटे काम करता है उसके लिए वो एक तरह का भगवान तो नहीं पर एक मसीहा के समान आदमी है कि भाई इसकी बात माननी है। अब मान लो यहाँ पे कोई स्लम एरिया है और मैं बम्बई से या तमिलनाडु से या आसपास के कितने भी मेरे वर्कर्स आके यहाँ पे पैम्पलेट बांटे, लोगों को समझाया घर घर जाके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग या तो अपनी मर्जी से वोट देंगे या तो ये सोशल वर्कर जिसको कहेगा उसको वोट देंगे। क्यों? मतलब अक्सर कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी के अहमदाबाद से, बॉम्बे से, राजस्थान से कुछ 5,000 वॉलेंटियर दिल्ली में आए थे और सब फ्री में आए थे, किसी को पैसा नहीं दिया था, आम आदमी पार्टी ने किसी को पैसा नहीं दिया था, सब अपने पैसे पे दिल्ली आए थे, अपने पैसे पे छोटे मोटे होटलों में रुके थे, छुट्टियां लेके आए थे, यानी उन्होंने सैलरी भी उतनी खोई। वो काम करने के लिए आए थे पर वो जो स्लम में घूम रहे थे उससे क्यों वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्लम में जो रहने वाले लोग हैं उनको पता है कि ये वॉलेंटियर इलेक्शन के टाइम पे आए हैं, ईमानदार होंगे, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद कोई दिखने नहीं वाला, कोई हमारा काम नहीं करने वाला, वो वोट इसी को देंगे जो जिसको सोशल वर्कर का। एट द सेम टाइम ये जो सोशल वर्कर है वो अपने आप बलबूते पे इलेक्शन नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि कंस्टिट्यूएंसी के साथ इसे 2,25,000 2,25,000 जीतनी, उसका एरिया कितना है 5,000 से 10,000 वोटर का, दूसरा एरिया जो होगा वहाँ पे कोई और सोशल वर्कर का होल्ड होगा, और ये जो सोशल वर्कर है उसका मिडिल क्लास वोटर पे कोई होल्ड नहीं है, मिडिल क्लास वर्कर को वो खींच नहीं सकता,
क्योंकि मिडिल क्लास वाले तो खुद एजेंट के थ्रू काम करा लेते हैं, या तो उनको फॉर्म भरना आता है, उनको सोशल वर्कर की ज़रूरत भी कम होती है। तो ये आदमी अब नॉर्मली ये जो सोशल वर्कर है वो किस पार्टी से जुड़े होते हैं? कांग्रेस से। सोशल वर्कर का लिंक होता है बीएसपी, एसपी। ये तीन पार्टियां हैं जो ये सोशल वर्कर के साथ जिनका लिंक सबसे ज्यादा होता है। अब बीजेपी का इस तरह के जो स्लम एरिया के सोशल वर्कर्स हैं उनमें बीजेपी का नेटवर्क बहुत कम है। बीजेपी का अधिकतर मिडिल क्लास में और अपर मिडिल क्लास में नेटवर्क है। तो कांग्रेस, बीएसपी, एसपी, इसके साथ ये जुड़े होते हैं और इनका बहुत सारा काम है वो इस पार्टी के एमएलए मिनिस्टर लोग करते हैं। तो मान लो ये सोशल वर्कर बीएसपी के साथ जुड़ा है तो आखिरी दिन पे पूछेगा कि भाई वोट किसको देना है। बीएसपी तय करेगी कि उसको एमएलए को देना है, उसका एमएलए नहीं जीत सकता तो कांग्रेस को दिलाना है, बीजेपी को दिलाना है। जिस पार्टी ने पैसे दिए उसको बोलेगा कि भाई तू अपने खाते के सारे वोट कांग्रेस को दे दे या बीएसपी को दे दे या एसपी को दे दे। तो ये अपने 5-10 हज़ार उसका जो एरिया है वहाँ पे जाकर कहेगा कि भाई हमें वोट कांग्रेस को देना है और इसका 100% होल्ड नहीं है पर 70-80% जितना है। इसी तरह से उस एरिया का जो मौलाना है वहाँ पे जो काम कर रहा है काफ़ी टाइम से, उसने कहा कि भाई इस पार्टी को वोट देना है तो वो इस पार्टी को वोट देंगे। तो इस बार कांग्रेस ने उसके अंडर में जितने सोशल वर्कर थे उसमें से बहुत सारे सोशल वर्कर्स को कहा कि उनका वोट है वो आम आदमी पार्टी को दे दो और इससे उनका पूरा वोट आम, तो आम आदमी पार्टी को कुछ 30% वोट मिले। इसमें से 15% वोट मिडिल क्लास से मिले थे। जो मिडिल क्लास के वोट मिले उसका मेन रीजन था कि पेड मीडिया ने जो पब्लिसिटी दी, मतलब पेड मीडिया का मैं बाद में आऊंगा, उससे और बाकी 15% जो नॉर्मली कांग्रेस, बीएसपी इन सारी पार्टियों को जाते थे वो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खाते में डलवा दिए। क्यों? क्योंकि यदि मान लो आम आदमी पार्टी को ये लोअर क्लास के और लोअर मिडिल क्लास के वोट नहीं मिले होते, मुस्लिम वोट नहीं मिले होते, तो आम आदमी पार्टी को 15% सीट मिलती, 15% वोट मिलते और सीट कितनी मिलती? सिर्फ 5 से 7 सीट मिलती, मैक्सिमम 7 सीट मिलती उसको यदि 15% वोट मिलते। तो यदि सिर्फ 15% मिडिल क्लास वोट मिलते तो 5 से लेके 7 सीट मिलती और अब 30% वोट मिले तो उसको 28 सीट मिली। तो भाई है कि भाई कांग्रेस क्यों अपना नुकसान करवाएगी? यदि कांग्रेस ने ये लोअर क्लास वोट अपने पास रखे होते तो कांग्रेस को दिल्ली में ज्यादा सीटें आ जाती, उनकी गवर्नमेंट बन जाती। इसलिए क्योंकि उन्होंने, कांग्रेस ने दिल्ली इसलिए गंवाई ताकि, मतलब कांग्रेस यानी मिशनरी एमएनसी ओनर्स, उन्होंने दिल्ली इसलिए जहात में से जाने दी असेंबली ताकि लोकसभा में बड़ा माल मिल सके। मतलब कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। मैं दूसरा एग्जांपल दूं कि मेरे पास दो कंपनियां, एक 500 करोड़ की कंपनी है, एक स्टार्टअप कंपनी है। तो मैं लॉस करके, 500 करोड़ कंपनी लॉस कर रही है फिर भी वो प्रोजेक्ट दिए जा रही है स्टार्टअप को। स्टार्टअप को क्यों प्रोजेक्ट दे रही है? ताकि स्टार्टअप का बैलेंस शीट अच्छा हो, और स्टार्टअप का बैलेंस शीट होगा तो स्टार्टअप कंपनी के शेयर का दाम बढ़ेगा, बाद में मैं अपने सारे शेयर बेच दूंगा, जो आखिर में शेयर होल्डर है उसको टोपी मिल गई, तो इस तरह से मेरा टोटल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अभी लॉस क्यों? मल्टीनेशनल कंपनियां और मिशनरी है वो कांग्रेस के खाते में लॉस कर रही है और उनका जो दूसरा खाता है आम आदमी पार्टी का उसमें प्रॉफिट होगा, लेकिन उसमें लोकसभा में हो सकता है 10 गुना प्रॉफिट मिले उनको। कैसे 10 गुना प्रॉफिट मिलेगा? सीट तो मिलेगी नहीं, पर मैं बताता हूं कैसे प्रॉफिट होगा। कि यदि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 या 7 सीट मिली होती तो नेशनल लेवल पे उभर नहीं आती, जैसे अभी वो एक बीजेपी का नेशनल अल्टरनेटिव की तरह उभर के आ रही है, वो उभर के नहीं आती। तो उसको नेशन वाइड मिडिल क्लास के वोट मिलते ही नहीं। अब आम आदमी पार्टी, क्योंकि उसको 28 सीट मिल गई, पेड टाइम्स ऑफ इंडिया, पेड इकोनॉमिक टाइम्स, पेड हिंदुस्तान टाइम्स,
यहाँ तक कि जो जो लैंग्वेज है, जो हिंदी अखबार है, गुजराती अखबार है, वो भी इसको बड़े पैमाने पे अल्टरनेटिव टू बीजेपी बता रहे हैं, ताकि बड़ी संख्या में मिडिल क्लास, जो कि पूरी देश की आबादी का करीब 25% है, वो बड़े पैमाने पे अब आम आदमी पार्टी को वोट करें। लेकिन होगा क्या, जब 2014 मई 2014 का इलेक्शन आएगा तो कांग्रेस अपने जो स्लम मुस्लिम वोट है, दलित वोट है, उसमें से एक भी वोट आम आदमी पार्टी को अब नहीं दिलाएगी। एक बार दिला दिया क्योंकि उसको आम आदमी पार्टी को ऊपर लाना था, ताकि वो पूरे देश का मिडिल क्लास खींच सके। और अब क्योंकि पूरा देश का मिडिल क्लास खींच जाएगा आम आदमी पार्टी को, अब मुस्लिम वोट और स्लम वोट कांग्रेस आम आदमी पार्टी को नहीं दिलाएगी, अब वो सारे कांग्रेस के खाते में जाएंगे। और अब जो 20 करोड़ वोटर है मिडिल क्लास के, और उसमें से बीस करोड़ में से इस बार कुछ 15 करोड़ लोग वोट डालने वाले हैं। इस बार वोटिंग एवरेज है वो 75% आ रहा है पूरे कंट्री में, तो यूं समझो 15 करोड़ में से कुछ 12 करोड़ बीजेपी को जाने वाले थे, बीजेपी या नरेंद्र मोदी जो भी बोलो। तो अब आम आदमी पार्टी इस लेवल पे पहुंच गई है कि 15 करोड़ में से 3 करोड़ वोट आम आदमी पार्टी को मिल सके, 3 करोड़ से 4 करोड़। तो 3 करोड़ वोट जब बीजेपी का कम हो जाएंगे तो उसकी 30 से 40 सीट कम हो सकती है। और दिल्ली के लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास वोट कांग्रेस ने इस बार दिला दिए, पर अब नेशन वाइड जब इलेक्शन होगा तो इसमें से आम आदमी पार्टी को मुश्किल से 1 करोड़ वोट मिलेंगे इस एरिया में से। यानी बीजेपी को सीधा 25% 30% घाटा हो गया, कांग्रेस को 5-1% जितना ही घाटा होगा, और इस तरह से बीजेपी की 30-40 सीट कम हो सकती है। अब फिर से मैं कहता हूं कि ये जो दिल्ली के लोअर क्लास वोट जो है 15%, वो क्यों कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दिलाए, ताकि आम आदमी पार्टी नेशनल अल्टरनेटिव तरह के उभर के ये 3 करोड़ वोट ले सके। यानी दिल्ली के 15% वोट, यानी करीब करीब यूं समझो 15 लाख वोट हुए, तो 15 लाख वोट दिल्ली के एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया, ताकि पूरे देश में से 3 करोड़ वोट काटे जा सके। तो एक तरह से बहुत अच्छा रिटर्न है, 15 लाख वोट डाले और दूसरी तरफ बीजेपी के 3 करोड़ वोट कम करवा दिए। अब फिर से मैं बोलता हूँ, कांग्रेस नहीं, एमएनसी ओनर और मिशनरी। अब एमएनसी और मिशनरी किस तरह से नेक्स्ट स्टेप खेलेंगे, जरूरी नहीं है कि ये 3 करोड़ वोट वो बीजेपी को और ये आम आदमी पार्टी को दिलाए। बेसिकली अब वो बीजेपी के सामने ऑफर रखेंगे कि तुम जो 500 टिकट दोगे इस बार, बीजेपी मतलब एनडीए बीजेपी सब मिला के 500 543, उसमें से यदि हमारे 250-300 टिकट यदि हमारे मल्टीनेशनल पार्टी और मिशनरियों को एजेंट को देते हो, तो हम आम आदमी का पंखा है वो एक पे चलाएंगे, क्योंकि रेगुलेटर तो एमएनसी मिशनरी के हाथ में, आम आदमी पार्टी का कैसे, मैं अभी बताता हूँ। और यदि हमारे एजेंटों को टिकट नहीं दी तो हम पंखा 5 पे चलाएंगे, तो पंखा 5 पे चलाएंगे तो इतनी हवा आएगी कि आपके 3 करोड़ वोट उड़ जाएंगे, और यदि पंखा 1 पे चलाया तो आपके सिर्फ 20-25-30 लाख वोट उड़ेंगे, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। यानी बीजेपी को डील क्या देना है कि यदि हमारे 200-300 एजेंटों को टिकट दो और जो हिंदूवादी स्वदेशी और राष्ट्रवादी है उनको टिकट उतनी कम दो, तो इस बार यदि बीजेपी ये शर्तें मान लेती है मल्टीनेशनल कंपनियों की मिशनरियों की, तो फिर आम आदमी का पंखा 1 की स्पीड पे चलेगा, वरना वो 5 की स्पीड पे चलेगा। अब स्पीड पंखे की कैसे आम आदमी पार्टी की एमएनसी ओनर डिसाइड करते हैं कि अभी एक पेड टाइम्स ऑफ इंडिया और पेड इकोनॉमिक टाइम्स ने सीरीज शुरू की है कि दिल्ली में जितने भी एमएलए हैं जो कि सीट जीते या हारे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट वगैरह, उन पे क्वार्टर पेज भर के नेशन वाइड आर्टिकल आ रहे हैं, फोटो के साथ थोड़ा बायोडाटा बैकग्राउंड
कि ये आदमी है सोशल वर्कर था, ये किया ये किया, और उसकी नेगेटिव चीज़ नहीं आती। यदि वो सिर्फ ट्वेल्थ पास है तो नहीं लिखेंगे कि ये सिर्फ ट्वेल्थ पास है और कॉलेज भी नहीं गया। यदि वो उसके पास कोई अच्छी डिग्री है तो लिख देंगे कि इसके पास अच्छी डिग्री, अच्छा बिजनेस है। यदि वो टेंथ फेल है तो लिखेंगे भी नहीं कि ये टेंथ फेल है। तो इस तरह से एक पॉजिटिव कवरेज आ रहा है। वैसे मार्केट वैल्यू इस कवरेज की 1 करोड़ है, मतलब कि यदि नेशन वाइड कवरेज यदि पूरे भारत के एक एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको अपना पॉजिटिव कवरेज देना है, वो भी न्यूज़ की तरह, न्यूज़ की तरह देना है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, हर एक में, कि मेरा पासपोर्ट साइज से थोड़ा बड़ा फ़ोटो आए और मेरे बारे में अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, तो उसका खर्चा, उस पेड न्यूज़ का खर्चा 1 करोड़ से ज़्यादा आता है। तो अब ये 1 करोड़ अरविंद भाई की पार्टी के पास तो है नहीं, मतलब उनके पास 20 करोड़ है, पर इस तरह से वो रोज़ रोज़ अखबार में नहीं छाप सकते। एक हफ्ते में सारा पैसा उनका ख़त्म हो जाएगा, एक हफ्ते क्या 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जितना कवरेज उनको पेड मीडिया दे रही है, उतना खर्चा चुकाना यदि उन्होंने शुरू किया तो 4 दिन में उनका सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। उनका खर्चा MNC दे रही है, मतलब MNC है वो आम आदमी पार्टी को पैसा नहीं दे रही और अरविंद भाई ले भी नहीं रहे। अरविंद भाई जहाँ तक पैसा का मामला है 100% क्लीन है, वो किसी से पैसा, गलत पैसा ले भी नहीं रहे, गलत पैसा किसी को दे भी नहीं रहे। वो 100% 99.9% मैं कहूँगा 100% वो चेक से ही पैसा ले रहे हैं। वो तो ठीक है, कुमार विश्वास जैसे लोग होते वो थोड़ा बहुत ले लेते हैं, बाकी अरविंद भाई कैश पैसे को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और वो मल्टीनेशनल कंपनी सीधा अखबार वालों को पैसा देती है कि तुम आम आदमी पार्टी के फेवर में छापो या तो आम आदमी पार्टी के आदमियों के फेवर में छापो। तो हो क्या रहा है, अभी एक देश में पूरे माहौल बन रहा है कि यदि मैं या कोई भी, मान लो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव, कोई नामी सोशल वर्कर, अच्छा नाम ही, अच्छे नाम वाला सोशल वर्कर है, उसके सामने एक परसेप्शन हो रहा है कि यदि आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बनोगे तो कम से कम आपको 10-20 करोड़ की मीडिया पब्लिसिटी फ्री में मिलेगी। तो जिन लोगों को पब्लिसिटी चाहिए और उनके पास ऑलरेडी अच्छा नाम है, एस्टैब्लिश नाम है, कोई एस्टैब्लिश डॉक्टर है, अच्छी रेपुटेशन वाला डॉक्टर है, लेकिन उसके पास पूरे जिले लेवल की पब्लिसिटी नहीं है, फेम नहीं है, तो वो अभी सोच रहे हैं कि यदि हम आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बन जाएंगे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के न्यूज़पेपर में के फ्रंट पेज पे हमारा नाम आ जाएगा, हमारा इंटरव्यू आ जाएगा, कंटिन्यूसली 15-20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना हमको पब्लिसिटी मिलेगी, कवरेज मिलेगा। और वो आदमी काफ़ी प्रेजेंटेबल है, ऑन एन एवरेज वो इस बार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भले आधे ट्वेल्थ पास हो, कॉलेज फेल हो, 2-4 टेंथ फेल भी होंगे, पर अब जो लोकसभा में आएंगे वो सब डॉक्टर, इंजीनियर, IIT, IIM, एग्जीक्यूटिव, लॉयर, प्रोफेशनल, इस तरह के लोग होंगे। तो मिडिल क्लास को वो काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे। ऑन एन एवरेज उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी BJP के कैंडिडेट से अच्छा होगा, क्योंकि BJP में सारे वेल एजुकेटेड नहीं है, बहुत सारे मतलब ग्रास रूट वर्कर्स हैं जिनका मुश्किल से ग्रेजुएशन है, कुछ तो ट्वेल्थ पास है। तो ऑन एन एवरेज अब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का ग्रेजुएशन लेवल और वो सब अच्छा होगा, और वो मिडिल क्लास को बहुत अट्रैक्ट करेंगे। और मिडिल क्लास में एक अभी हवा खड़ी हो रही है कि भाई आम आदमी पार्टी है वो 2-5 लोकसभा की सीट नहीं जीत सकती, 100-200 इलेक्शन लोकसभा की सीट जीत के आएगी। देखो, यदि आम आदमी पार्टी को 15% वोट मिले होते तो 5 से 7 सीट मिलती, और 5-7 सीट यदि दिल्ली में मिलती तो उससे ये परसेप्शन नहीं खड़ा हो सकता कि देश में उसको 100 सीटें मिलेगी। लेकिन अब क्योंकि उसको 28 सीट मिली है दिल्ली में, तो अब यह परसेप्शन खड़ा किया जा सकता है कि अब पूरे देश में इसको 100-150-200 सीट मिलेगी मिडिल क्लास के सामने। और यही लॉजिक चलाया जाएगा कि इस बार सारे के सारे स्लम वोट है वो आम आदमी पार्टी को मिलेंगे। देखो, दिल्ली में स्लम वोट ये जो सोशल वर्कर के अंडर में होते हैं वो कांग्रेस ने उनको दिला दिए थे, लेकिन अब नेशन वाइड जब इलेक्शन होगा तो ये सोशल वर्कर के पास जो स्लम वोट है वो आम आदमी, कांग्रेस उनको आम आदमी पार्टी के खाते में नहीं डालने को कहेगी। इस बार कांग्रेस कहेगी कि भाई हमारे पार्ट खाते में डालो, या BSP को भी कहेगी कि हम खाते में डालो,
बीएसपी भी अब पूरी कांग्रेस के अंडर में आ गई है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है वो कांग्रेस को कंट्रोल करते हैं, कांग्रेस अब बीएसपी को कंट्रोल करते हैं। यूपी में जो इस बार स्लम मुस्लिम वोट है वो इस बार एसपी को नहीं मिलेंगे, इस बार वो सारे कांग्रेस को मिलेंगे। स्टेट लेवल पे भले एसपी को मिल गए पर जब नेशनल इलेक्शन होगा तो वो सारे कांग्रेस के खाते में जाएंगे। खैर यूपी में तो बीजेपी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा क्योंकि यूपी में तो अखिलेश यादव ने इतना कबाड़ गदर मचा दिया है, मतलब इतना क्राइम्स को उसने एनकरेज किया है कि वहाँ तो बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बाकी जहाँ पे जो इतना यूँ समझो कि एक्सट्रीम एटमॉस्फियर नहीं है वहाँ पे 25% मिडिल क्लास वोट है वो आम आदमी पार्टी तोड़ सकती है। तो जो उस समय मैंने वीडियो में कहा था कि भाई अंत में मल्टीनेशनल कंपनियां और मिशनरी आम आदमी पार्टी को क्यों इतना ऊपर ला रहे हैं वो इसलिए ताकि बीजेपी के वोट तोड़े जा सके। और उस समय कुछ लोगों ने ये कहा था कि भाई दिल्ली में यदि सिर्फ मिडिल क्लास के वोट मिलेंगे तो आम आदमी पार्टी को इतनी सारी सीट नहीं मिलेगी तो नेशनल लेवल पर कैसे आएगा। और उसका आधा आंसर अब मिल गया कि दिल्ली के इलेक्शन में कांग्रेस ने ही अपने आधे वोट आम आदमी पार्टी के खाते में डलवा दिए। अब इसमें कुछ बीजेपी के भी अपनी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है कि जो करप्शन का प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन बीजेपी के बस की बात नहीं थी क्योंकि देश में जुडिशरी करप्ट है, आईपीएस करप्ट है, आईएएस करप्ट है और किसी भी हालत में एमपी उसको ठीक नहीं कर सकते। एमपी उसको ठीक करने जाएंगे तो आईएएस आईपीएस और जुडिशरी मिलके एमपी को ऐसी धोबी पछाड़ देगी कि एमपी की एक एक हड्डियाँ टूट जाएगी। एमपी भी 90% करप्ट है, ऐसा नहीं है कि एमपी ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, पर एमपी चाहे तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं सकता। ये प्रॉब्लम तो जन आंदोलन से ही सॉल्व हो सकता है, जन आंदोलन अन्ना का फर्जी जन आंदोलन नहीं, जन लोकपाल जैसे घटिया कानूनों के लिए जो जन आंदोलन हो रहा है या जन आंदोलन के नाम पे ढकोसला हो रहा है वो भी नहीं, राइट टू रिकॉल जैसे असली कानूनों के लिए जिसमें नागरिक एसएमएस के द्वारा या एटीएम के द्वारा या पर्सनली पटवारी की कचहरी के जाके ऑल्टरनेटिव को स्वीकृति दे सके और इस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल सके, हाई कोर्ट के जज को निकाल सके, सीएम पीएम को निकाल सके, एमपी एमएलए का राइट टू रिकॉल कर सके या तो मेयर का या किसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का, पुलिस कमिश्नर का। तो ये कानूनों से करप्शन कम हो सकता है। अब ये कानून तो हाथ में लेने की कभी बीजेपी की ताकत थी नहीं, किसी की भी पार्टी की नहीं है, इवन आम आदमी पार्टी की ताकत भी नहीं है, मैं अभी आऊँगा इसके ऊपर। पर वो चीज़ें असली रिफॉर्म है वो लाने की ताकत नहीं थी और वो एडमिट भी नहीं कर सकते कि भाई हम अच्छे असली रिफॉर्म ला नहीं सकते। और इसलिए जन लोकपाल का वो बीजेपी विरोध नहीं कर पाई। जन लोकपाल तो फ्रॉड कानून है, वो मेरे बहुत सारे वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो भारत में जन लोकपाल सिस्टम चाहती है ताकि पूरे भारत पे 11 जन लोकपाल का शासन हो, ताकि मल्टीनेशनल कंपनी की प्रॉब्लम जो रॉसचाइल्ड है, रॉकफेलर है, उनकी प्रॉब्लम कम हो गई कि अब उन्हें सिर्फ 11 लोगों को, अपने 11 एजेंटों को जन लोकपाल की जगह पर बिठा देना है या तो जो 11 लोग आए उनको खरीद लेना है। अब उनको 11,000 को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 11 लोगों को खरीदना पड़ेगा और उसके द्वारा वो पूरे देश पे शासन कर सकते हैं। तो बीजेपी ये झूठ भी पब्लिक के सामने नहीं रख पाई, इसलिए जन लोकपाल का घोड़ा आगे बढ़ता गया। हमारे जैसे छोटे मोटे लोग थे जिन्होंने लोगों को ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश की, कुछ हद तक सफल भी हो गए, कुछ हद तक यानी 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 लोगों तक हम इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए, उससे ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन पहुंचा नहीं पाए। तो बाकी जो पूरा मिडिल क्लास था जो कि भ्रष्टाचार के प्रॉब्लम से परेशान था, अदालतों की इनएफिशिएंसी से परेशान था, उसको बीजेपी में कोई अल्टरनेटिव नहीं दिखा, बीजेपी में कोई होप नहीं दिखी और इसलिए वो आम आदमी पार्टी की तरफ खींच गया। मतलब आम आदमी पार्टी अंत में है क्या, कांग्रेस को एक डॉक्टर कहो कि जिसने 1,000 ऑपरेशन किए और 800 फेल हो गए, बीजेपी दूसरा डॉक्टर है जिसने 1,000 ऑपरेशन किए उसके 800 से कम 600 फेल हो गए, मोदी साहब उनमें से अच्छे में से हैं कि 1,000 ऑपरेशन किए और उनके 300 ऑपरेशन फेल हो गए।
और आम आदमी पार्टी है जिसने जीरो ऑपरेशन फेल हो गए। अरविंद भाई के एक भी ऑपरेशन फेल हुआ फेल नहीं हुआ आज तक, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ऑपरेशन ही नहीं किया। वो ऐसे डॉक्टर है कि जिन्होंने कभी ऑपरेशन ही नहीं किया तो उनका फेलियर रेट जीरो है। और पेड मीडिया ने ऐसा दिखा दिया कि देखो कितने होनहार डॉक्टर है कि इनका एक भी ऑपरेशन आज तक फेल नहीं हुआ। लोग बाकी दो डॉक्टर से परेशान थे कि भाई एक डॉक्टर 1000 ऑपरेशन में से 800 फेल कर देता है, दूसरा 1000 में से 500-600 फेल कर देता है, ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। और पेड मीडिया ने इनको एक ऐसे डॉक्टर की तरह प्रोजेक्ट किया कि इनका तो एक भी ऑपरेशन फेल नहीं हुआ, और ये नहीं बताया क्यों, क्योंकि इन्होंने कभी ऑपरेशन ही नहीं किया। ये रेशनल वोटिंग किस सेंस में, वोटर रेशनल ही होता है, पर जब बहुत डेस्परेट सिचुएशन हो, जो कि आज के मिडिल क्लास की है, कि वो एकदम परेशान है, सफोकेट कर रहा है, तो जब डेस्परेट सिचुएशन में आदमी को गलत होप दिखा दी जाए तो वो गलत होप की ओर आंख बंद करके दौड़ना शुरू करता है। वो सिचुएशन हमारे साथ है कि हमारे देश का मिडिल क्लास वोटर है वो बहुत ही डेस्परेट है, बहुत ही सफोकेट कर रहा है, परेशान है, और ऐसे में पेड मीडिया ने उसको एक ऐसा होप दिखा दिया कि डॉक्टर अरविंद भाई इनका एक भी ऑपरेशन फेल नहीं हुआ। और यदि पेड मीडिया ने दूसरी तरह प्रोजेक्ट किया होता कि भाई इन्होंने तो कभी ऑपरेशन ही नहीं किया, उनको मुश्किल सवाल पूछे होते इंटरव्यू में, इंटरव्यू में देखो हमेशा आसान सवाल पूछते हैं, उनको मुश्किल सवाल नहीं पूछा कि भाई तुम्हारे 28 MLA हैं उनमें से 15 MLA करप्ट हो गए तो क्या करोगे, मुश्किल सवाल का कोई जवाब नहीं है उनके पास, और वो मुश्किल सवाल मीडिया पूछता भी नहीं है उनको। इसलिए मुश्किल सवाल नहीं पूछे, इसलिए वो एक अच्छे डॉक्टर की तरह उभर के आए मीडिया में, और इस तरह से उनको मिडिल क्लास के आधे वोट मिल गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरा दूसरा वीडियो इस पे बताएगा कि अभी दिल्ली के ऊपर है। पर एक पॉइंट जो मैं पिछले 2 साल से 2.5 साल से कहता आ रहा हूँ, लगातार कहता रहा हूँ, 8 अप्रैल 2011 को जब उनका अनशन ख़त्म हुआ अन्ना का और अरविंद भाई का, तब से मैं कहता आ रहा हूँ कि ये दोनों फ्रॉड आदमी हैं। और तब से मैंने कारण भी दिया था कि मैं इनको क्यों फ्रॉड आदमी कह रहा हूँ, क्योंकि तभी मैंने कहा था कि ये जो कह रहे हैं कि वो राइट टू रिकॉल का कानून लाएंगे, वो दोनों के दोनों अन्ना और अरविंद भाई झूठ बोल रहे हैं। ये बात मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे कही थी, यूट्यूब में वीडियो में कही थी, कब? 8 अप्रैल 2011 को। और आज आपके सामने सबूत की तरह सामने खड़ा हुआ है कि अरविंद भाई दिल्ली असेंबली में सीएम बनने के, सीएम की कुर्सी के करीब है, उस पर बैठे तो नहीं है लेकिन करीब है। राइट टू रिकॉल मेयर, राइट टू रिकॉल दिल्ली मेयर और राइट टू रिकॉल दिल्ली कॉरपोरेटर, ये दोनों असेंबली के पावर में आते हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन जो है वो लोकल बॉडी है और लोकल बॉडी के बारे में कानून असेंबली बनाती है। तो आज की तारीख में अरविंद भाई साफ साफ मना कर रहे हैं कि वो राइट टू रिकॉल दिल्ली मेयर का कानून और राइट टू रिकॉल दिल्ली कॉरपोरेटर का कानून असेंबली में नहीं लाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने जो 18 मुद्दे रखे, काफ़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई आप 18 मुद्दे रख रहे हो तो एक 19वां मुद्दा रखने में क्या प्रॉब्लम है, कि हम जो राइट टू रिकॉल दिल्ली मेयर और राइट टू रिकॉल दिल्ली कॉरपोरेटर का कानून लाएंगे बीजेपी कांग्रेस उसको समर्थन देगी। लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि राइट टू रिकॉल दिल्ली मेयर और राइट टू रिकॉल दिल्ली कॉरपोरेटर का कानून नहीं लाना है। और उन्होंने एक नई डेडलाइन दे दी कि जब पार्लियामेंट में उनकी मेजोरिटी आएगी तब वो राइट टू रिकॉल का कानून लाएंगे। और एक दूसरा वीडियो यूट्यूब पे ही पड़ा है, ये अरविंद भाई के खुद के शब्द है कि पार्लियामेंट में मेजोरिटी आएगी उसके बाद वो राइट टू रिकॉल कानून लाएंगे। और दूसरा एक योगेंद्र यादव का वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट में उनकी 2/3 मेजोरिटी होगी, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ताकत आएगी तभी वो राइट टू रिकॉल की बात करेंगे। यानी मैं 2.5 साल से आपको कह रहा था कि राइट टू रिकॉल के मुद्दे पे अन्ना और अरविंद भाई दोनों के दोनों फ्रॉड आदमी हैं, और अब आपके सामने ये बात सबूत की तरह मौजूद है। अब मैं दूसरे वीडियो में अभी जो इलेक्शन के बाद की घटनाएं हैं उसके बारे में कहूंगा। धन्यवाद। अब जैसे अब आम आदमी पार्टी को एक अल्टरनेटिव की तरह दिखाया है, तो अब पेड मीडिया, ये ऑप्शन है पेड मीडिया के पास, मतलब MNC ओनर के पास,
वो पेड मीडिया में इतने आर्टिकल छपवा सकते हैं कि एक माहौल खड़ा करे कि अरविंद भाई और मोदी साहब के बीच डिबेट होनी चाहिए, नेशनल इश्यूज पे, करप्शन के मुद्दे पे, गवर्नेंस के मुद्दे पे, अलग अलग मुद्दे पे। अब इसमें शर्त यही रखी जाएगी कि भाई आप बीजेपी के सामने कि आप हमारे इतने एजेंटों को टिकट देते हो, यदि एजेंटों को टिकट देते हैं तो अरविंद भाई को बोल देंगे कि भाई डिबेट में कमजोरी से पेश आना, और यदि शर्तें नहीं मानते तो डिबेट में किस तरह से ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि जो आदमी ने 12 साल शासन किया है तो कहीं ना कहीं तो गलतियां की होगी। जो मैंने आपको बताया कि एक डॉक्टर ने 1000 ऑपरेशन किए, कांग्रेस ने 800 फेल कर दिए, मोदी साहब ने 1000 ऑपरेशन किए तो 300 ऑपरेशन फेल हो गए, लेकिन 300 तो फेल हो गए। तो 12 साल शासन किया है तो कहीं ना कहीं तो गलतियाँ हुई होगी, और इन भाई ने तो कोई शासन किया नहीं है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे या कोई गवर्नमेंट पे ऐसी कोई मिनिस्ट्री की पोजीशन पे, तो इनके खिलाफ तो कोई गलती है नहीं इनके अगेंस्ट। तो जितने भी छोटी मोटी गलतियां हैं इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव की, वो डिबेट में एक के बाद एक रखी जाएगी, और हर एक पॉइंट पे यदि पेड मीडिया चाहे तो मोदी साहब की इमेज को बदनाम कर सकता है कि भाई ये मतलब करप्ट नेता है, या तो फेवरेटिज्म करते हैं, या तो ठीक से शासन नहीं करते, इस तरह का रखा जाता है। और दूसरी तरफ अरविंद भाई का ट्रैक रिकॉर्ड आएगा कि इनका एक भी ऑपरेशन फेल नहीं हुआ, फिर ये अलग बात है कि इन्होंने एक भी ऑपरेशन किया ही नहीं है इसलिए एक भी फेल नहीं हुआ। तो इस तरह से ये एक और तरीका पेड मीडिया बना सकती है कि भाई ये नेशनल लीडर है अरविंद भाई, क्योंकि अब एक राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी से सिर्फ एक फीट दूर है, और इनके पार्टी की अब 100 सीट लोकसभा में आने वाली है, वो पहले से ही खड़ा कर देंगे कि भाई इनकी 100 सीट लोकसभा में आने वाली है, इसलिए इनका और मोदी साहब का पब्लिक डिबेट लाइव टेलीविजन पे होना चाहिए। ये एक और प्रेशर पॉइंट आएगा ताकि मल्टीनेशनल कंपनियां बीजेपी को कह सके कि हमारे एजेंटों को बीजेपी का टिकट दो। धन्यवाद।